एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई यानी कि अगर पैसे लगाने हो तो किस में लगाए, एनएससी या बीएसई? भारत में 40 साल बाद यानी कि 2003 में कमोडिटी ट्रेडिंग पर लगा प्रतिबंध हटा दिया, डेरिवेटिव्स। यहां पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ग्रीष्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। इसके पहले के वीडियो में हमने शेयर मार्केट का थोड़ा बेसिक्स देख लिया, तो आज हम उसके बारे में थोड़ा इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। ज्यादातर लोग शेयर मार्केट में इसीलिए निवेश करते हैं ताकि फ्यूचर में उसको अच्छा रिटर्न मिल सके और जल्द से जल्द अमीर बन सके। लेकिन शेयर मार्केट को समझना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत सारी चीजें एंड बहुत सारी टर्म्स पता होनी चाहिए। तो मैं आपको एक स्लाइड में क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि आज हम कौन कौन सी टर्म्स डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है एनएससी एंड बीएसई, सेकंड आईपीओ, फिर डीमैट, सेंसेक्स एंड निफ्टी, टाइप्स ऑफ शेयर्स, डिविडेंड, कमोडिटी एंड लास्ट डेरिवेटिव्स। तो चलो अब हम सबसे पहले समझते हैं क्या है एनएससी और बीएसई। एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये दो स्टॉक एक्सचेंजेस है जहां पर अलग अलग कंपनी के शेयर्स लिस्टिंग होते हैं। बीएसई में करीबन 5200 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड है, जबकि एनएससी में 1600 से भी ज्यादा कंपनी लिस्टेड। लेकिन अगर पैसे लगाने हो तो किस में लगाए, एनएससी या बीएसई? क्या बात है चिंकी, तुम भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेने लगी। तो चलो, एनएससी और बीएसई में सबसे पहला अंतर है कीमत का, मगर ये इतना ज्यादा नहीं होता। और उसी के साथ टैक्स लगाने का जो तरीका है उसमें भी फर्क होता है, मगर ये भी इतना ज्यादा नहीं होता। अगर आप शेयर मार्केट में नए नए हो और शुरू शुरू में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपके लिए बीएसई बेहतर ऑप्शन है, मगर आप शेयर मार्केट में एक्सपर्ट हो चुके हो तो आपके लिए एनएससी ज्यादा बेटर रहेगा। अगर आप कोई नई कंपनी में निवेश करना चाहते हो तो आपके लिए बीएसई ज्यादा बेटर रहेगा, मगर आप ट्रेडिंग, डेरिवेटिव, फ्यूचर ऑप्शंस में पैसा लगाना चाहते हो तो आपके लिए एनएससी ज्यादा बेटर रहेगा। अब उसके साथ हमारी नेक्स्ट टर्म है आईपीओ। आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर। जब भी कोई कंपनी पहली बार शेयर इश्यू करती है तो उसे कहते हैं आईपीओ, और आईपीओ के जरिए कोई भी कंपनी शेयर मार्केट में रजिस्टर्ड होती है। अब नेक्स्ट है डीमैट। डीमैट यानी कि डीमटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। इसका उपयोग शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में स्टोर करने के लिए होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ETF, बॉन्ड, शेयर्स वगैरह सब इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में स्टोर होते हैं। अब बात आती है सेंसेक्स एंड निफ्टी के बारे में। क्या है ये? सेंसेक्स एंड निफ्टी इंडेक्स है जिसमें अलग अलग लार्ज कैप कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से शेयर मार्केट फ्लक्चुएट होता है। सेंसेक्स में लार्ज कैप की मतलब के अलग अलग बड़ी बड़ी 30 कंपनी रजिस्टर है, जबकि निफ्टी 50 यानी कि यहाँ पर बड़ी बड़ी 50 कंपनी रजिस्टर है जो अपनी परफॉर्मेंस के बेस पर निकलती रहती है और ऐड होती रहती है। ये सब तो समझ आ गया, लेकिन शेयर के टाइप्स कितने हैं ये तो समझाओ। एग्जैक्टली चिंकी, मैं भी वही बात करने वाली थी। शेयर मार्केट में शेयर्स के मेनली 3 प्रकार होते हैं, जिसमें से 2 के बारे में तो शायद आपको पता ही होगा। नंबर 1 इक्विटी शेयर्स, दूसरा है प्रेफरेंस शेयर एंड तीसरा है DVR यानी कि शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। नंबर 1 इक्विटी शेयर यानी कि ऑर्डिनरी शेयर, इनको कंपनी के असली मालिक माने जाते हैं, क्योंकि मैनेजरियल डिसीजन में वोटिंग देने का राइट इनके पास होता है और इनको डिविडेंड सबसे अंत में बचे लाभ में से दिया जाता है। दूसरा है प्रेफरेंस शेयर यानी कि प्रायोरिटी वाले शेयर, इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले डिविडेंड एंड अदर बेनिफिट दिए जाते हैं और इनका डिविडेंड का रेट भी फिक्स होता है। तीसरा है DVR, DVR यानी कि शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। इन शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह बेनिफिट तो मिलता है, मगर वोटिंग राइट्स इतने नहीं मिलते, इनके वोटिंग राइट्स लिमिटेड होते हैं। और हमारी नेक्स्ट टर्म है डिविडेंड। डिविडेंड यानी कि शेयर होल्डर्स का जो रिटर्न होता है उनको डिविडेंड कहते हैं। ये कंपनी के मुनाफे में से शेयर होल्डर्स को बांटा जाता है। यहाँ पर शेयर होल्डर्स को प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया जाता है। नाउ कमोडिटी, मतलब कि जिस तरह से हम अपनी रोज बरोज की जरूरत के लिए वस्तु यानी कि कमोडिटी जैसे अनाज, मसाले, सोना खरीदते हैं, उसी तरह शेयर बाजार में भी इन कमोडिटी की खरीद बेच होती है। शेयर बाजार में कमोडिटी सेक्शन में इन चीजों की खरीद बेच को कमोडिटी ट्रेडिंग कहते हैं। भारत में 40 साल बाद यानी कि 2003 में कमोडिटी ट्रेडिंग पर लगा प्रतिबंध हटा दिया गया था। और हमारी लास्ट टर्म है डेरिवेटिव्स। यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रूड ऑयल में से पेट्रोल एंड डीजल बनता है,
तो क्रूड ऑयल है अंडरलाइंग प्रोडक्ट यानी कि मेन प्रोडक्ट है, और पेट्रोल एंड डीजल है वो डेरिवेटिव्स है यानी कि उसमें से डिराइव हुई है। अगर अंडरलाइंग प्रोडक्ट के प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, चेंज होता है, तो उस हिसाब से डेरिवेटिव्स की प्राइस में भी चेंज आएगा। तो इन सारी टर्म्स को इन डिटेल समझने के लिए हमारी आने वाली वीडियोस देखना ना भूलें। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।